अज मैं थोड़े सारे दे नाल एक आयल्स का रिजल्ट जिहड़ा उह शेयर करना है ते ए रिजल्ट वेखण तो बाद मैनू उम्मीद आ कि जेकर तुसी ओ स्टूडेंट जे जिहड़े सोचदे आ कि मैं छड्ड यार ए आयल्स का एग्जाम मैं देना ही नहीं होना, मैं हजारां लखां रुपया समा बर्बाद करके वेख लिया, हर एक टीचर नू फॉलो करके वेख लिया पर मैं ये टैसट नहीं क्लीयर कर सकता, दैन ये वीडियो तुहाडे दिमाग दे विच तुहाडे दिल दे विच एक आस की किरण जिहड़ी उह जगाऊगी कि तुसी आयल्स का एग्जाम क्लीयर कर सकते जे ते ओह वी किसी भी इंस्टीट्यूट जाए बिना घर बैठ के। जेकर तुसी इस चैनल नू लाइक फॉलो करोगे प्लस इत्थे जो भी मैं कंटेंट जिहड़ा अज तक अपलोड किया आ उहनू सही तरीके दे नाल फॉलो करोगे ते इधर उधर दीआं गल्लां च नहीं फसोगे दैन ये चैनल तुहाडी हैल्प करूगा घर बैठ के आयल्स का एग्जाम क्लीयर करन दे विच। ते इसे तरह की अज एक वीडियो जिहड़ी मैं बना रहा तुहानू पता आ कि मैं हर रोज़ 4 बजे चैनल तो शामी 4 बजे काफ़ी वीडियोज़ जिहड़ियां अपलोड करदा आं तुहाडे जिहड़े डाउट्स क्लीयर करन वास्ते, बट विच विचाले मैं इस तरह दी वीडियोज़ भी बनाउंदा रहिंदा आ कि तुहानू थोड़ा जिहा मोटिवेट कर सकां, क्योंकि एक आयल्स ट्रेनर दे लई या जो भी कोई आयल्स दीआं तुहानू टिप्स एंड ट्रिक्स दिंदा ये उहदी ड्यूटी आ कि ये नहीं सिर्फ आपां पढ़ाता ते काम खत्म हो गया, उहनू मैंटली तौर पर भी उहनू सपोर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक चीज़ इंसान की दिमाग तो शुरू होंदी है। ते जे बच्चा स्ट्रैस दे विच आ उह स्ट्रैस नू किस तरह दूर करना है इस तरह दीआं इंस्पिरेशनल स्टोरीज तुहानू दस के। सो सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मेरा नाम बलजीत सिंह है, स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल जिहदा नाम आयल्स जर्नी 46 आ। चैनल नूं रिस्पैक्ट देने लई बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल नूं लाइक सबसक्राइब शेयर ते बैल आइकन ते जरूर क्लिक करियो ते कमेंट करके दस्सो तुहानूं इह वीडियोज़ किस तरह दीआं लगदीआं। सो अज दी वीडियो दी शुरुआत करदे आ, वीडियो नूं शुरू तों लैके अंत तक जरूर वेखियो, इह ना सोचियो कि इहदे विच मैं तुहानूं कोई टिप्स नहीं देनी आयल्स दे रिलेटेड ते जस्ट आपां स्वाइप करके अगे लंघ जाइए। इस तरह दी वीडियोज़ देखण दे नाल तुहाडे दिमाग दे विच एक चीज़ बैठ जाती, वह की आ पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिव होवोगे दैन एग्जाम ये क्लीयर हो जूगा। तो जे सिर्फ आप वोकैबलरी पिछे भजे रहेंगे या आप इंस्टीट्यूट पिछे भजे रहेंगे या फलाने वो टीचर नूं फॉलो कर लिया ए बी सी और टीचर नूं फॉलो कर लिया इस तरह एग्जाम इधर उधर घूम के नहीं क्लीयर होना। सो मेरिया गल्लां बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंदियां, सो ज़्यादा गल्लां ना करते हुए अज्ज दी वीडियो की शुरुआत करते हैं तो तुहानूं मैं स्टूडेंट बारे दसदा कि उहदा कितना बैंड स्कोर आया। सो एक गल है जी एक स्टूडेंट की जिहड़ा कि मेरा सबसक्राइबर सीगा इस चैनल का, जिवें कि तुसीं सबसक्राइबर हो जे जलंधर तो बिलोंग करता है, नाम है हरसिमरन सिंह, तुसीं उहदा TRF वेख सकते हो, उन्हें रिजल्ट अज शेयर किया मेरे नाल, बाकी उन्हें स्क्रीनशॉट पहला भी शेयर किया है बट TRF उन्हें अज शेयर किया। तो एक स्टूडेंट सीगा जिहड़ा जलंधर तो बिलोंग करता है, इन्हें कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, कोई मेरे तो परसनल क्लासेस नहीं लिया, मैं क्यों एवं झूठ मारी जावां तुहानू कि मेरे को पढ़िया बच्चा तो फिर ही उहदे बैंड आए, बट एक चीज़ से जो मैं प्राउड या माण है वो ये चीज़ आ कि स्टूडेंट ने मेरी कल फोन के उत्ते गल हुई तो स्टूडेंट ने कहा कि सर जी मैं पहला 1-2 महीने इंस्टीट्यूट के पढ़ता रहा, बहुत ए बी सी इंस्टीट्यूट सगा मतलब काफ़ी रिनाउंड सगा, बट इन्हें काफ़ी सारे अपने पैसे जो उ बर्बाद किए लाइक हाई अमाउंट ऑफ फीस जी उत्तर पे की, बट ये स्टूडेंट का कहना सगा कि सर जी मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वह की पढ़ाते हैं, अपना पढ़ाया ही वह गलत कर देंगे कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह लिखना है। तो वोकैबलरी की जी तुहानू पता ही है, जिवें मैं सारिया वीडियोज़ दसदा रहना कि कोई भी इंस्टीट्यूट तुसीं भी जाते होगे राइटिंग करने तो बाद एक तुहानू पूरी लिस्ट दे देंगे वोकैबलरी की किनू याद करो, याद करन दे नाल या सिर्फ सनोनीम चेंज करन दे नाल तुहाडे बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं होने। इस स्टूडेंट ने अपने फस्ट अटैम्प्ट दे ओवरऑल 7 बैंड स्कोर जिहड़े अचीव किए, एक अपने आप दे विच अचीवमेंट आ ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली गल आ, वाहिगुरू की कृपा दे नाल मैनू इन्ना कि यकीन है कि जो भी मैं अपने चैनल के उत्ते अपलोड करता हाँ जेकर तुसी सिर्फ उन्होंने ही फॉलो कर लो दैन तुहानू मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की नहीं लोड़, तुहानू किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की लोड़, तुहाडी रिक्वायरमेंट पूरी हो जूगी। रिक्वायरमेंट समझते जे कि ईच मोड्यूल तुहाडे 6 बैंड आराम नाल आ जाएंगे, बट जेकर तुसी सैल्फ स्टडी करके अपनी गलतियां खुद एनालिसिस करके या जिहड़ियां मैं तुहानू टास्क भी दसदा कि 7 बैंड तो प्लस जाना है या 8 बैंड तो प्लस जाना है तो की करना चाहिए, जे उन्हां टैक्नीक्स नूं भी फॉलो कर लोगे दैन खुद पॉलिशिंग करोगे अपने स्किल्स की दैन तुसीं 8 प्लस भी जा सकते हो। तो इस तरह स्टूडेंट का ईच मोड्यूल स्कोर सीगा लिसनिंग 8 बैंड रीडिंग 7 बैंड जिस तुहानू सब तो ज़्यादा डर लगता है, तो ये बच्चे ने रीडिंग उस तरह ही फॉलो की जिस तरह मैं वीडियो तुहानू मैं दसदा कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट वाले बन्ने नहीं पैना हजे एड्डी छेती, पहला उन्हें करने का तरीका सीख लो। अपने बन्ने की होंगे कि रीडिंग टाइम मैनेज कर लो, टाइम मैनेज कर लो, एक सारी मार्केट के एक चीज़ चली कि साड़ी टाइम नहीं मैनेज होंगे, टाइम मैनेज किदा करिए, तुहानू रीडिंग नहीं करनी आती तो टाइम मैनेज उत्थे की करूँगा। सो इस करके मैं जिस तरह तुहानू वीडियोज़ दे विच दस्सिया जाके वेखो
उत्थे तुहानू पता लग जूगा कि रीडिंग लई टाइम मैनेज करना इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्ना कि ज़्यादा आपां नूं सही तरीके नाल एक्यूरेसी लियाउणा जां अपने आंसर फाइंड आउट करना सही तरीके नाल। मैं पहला भी एक एग्जाम्पल दी 40 क्वेश्चन मान लो रीडिंग चा, तुसीं 40 दे 40 अटैम्प्ट कर ले एक घंटा ला के, सही तुहाडे 12 होण दे विचों मैनूं इहो जिहे 12 आंसर तों की लैणा कि मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी होंदी। ते जे मैं 35 अटैम्प्ट करन दिया मेरे सही 26 होंदे आ, मेरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होंदी आ, मेरे क्वेश्चन भी छुटदे पए आ, बट मैनूं इह पता लग रिहा कि मैं आंसर लभने किस तरह ते सही किस तरह लभने। ते उहदे बाकी मॉड्यूल दे विचों स्पीकिंग ते राइटिंग चों 6 बैंड आ, ओवरऑल 7 बैंड स्कोर आ। TRF तुसीं स्क्रीन ते वेख सकदे हो। सो जेकर ए बच्चा सिर्फ वीडियोज़ वेख के अपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच 7 बैंड स्कोर लै सकदा आ ते तुहानूं की प्रॉब्लम आ? कई बच्चे, मैं नहीं कहिंदा कि लाइक वह मेरी गलतियां करते हैं या वो मेरे कमेंट्स के आके चैनल से लिखन के सर जी ये तो एग्जाम्पल इस तरह दई दी नहीं आ। जेड़े भी बच्चे मेरिया वीडियोज़ के डाउट लगते हैं प्लीज़ फॉलो ना करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो, तो जिस तरह चंगा लगता है उस तरह फॉलो करो। ठीक है, मैं किसी ने भी कभी भी वो चीज़ लिए नहीं किया कि मजबूर नहीं किया कि नहीं नहीं फलानी चीज़ इस तरह लिखनी है। मेरा काम है सही कॉन्टेंट बना के अपलोड करना, उन्हों अप्लाई करना नहीं करना तुहाडे हथ वास है। जेडे बच्चे अप्लाई करते हैं स्कोर तुसी वेख सकते हो, जेडे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं वो फिर सारी उम्र क्वेश्चन ही करते रहते, फलाने टीचर भी क्वेश्चन कर लिया, दूसरे टीचर भी क्वेश्चन कर लिया, फिर इंस्टीट्यूट लभन लई तुर पए आपां, फिर वो इस तरह ही घूमते रहेंगे। सो इस करके सुहिरद दिमाग रख के घर बैठ के इस चैनल के उत्ते जिन्नियां भी वीडियोज़ है उन्हों शुरू तो लैके अंत तक वेखो। जेकर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है दैन कमेंट करके जरूर दस्या करो, नैक्सट वीडियो उस टॉपिक पर बनाना है। तो मैं अपनी मर्जी के नाल कभी भी वीडियो अपलोड नहीं करता, मैनू जिहदे उत्ते स्टूडेंट के ज़्यादा कमेंट्स आते कि सर रीडिंग प्रॉब्लम है, फिर मैं रीडिंग वाली साइड पर वीडियो बनाने लग पैना। कई मैंने कहेंगे सर स्पीकिंग प्रॉब्लम है, फिर स्पीकिंग की जी वीडियोज़ वो बनाने लग पैना। हूँ कई स्टूडेंट कहते सर प्ले लिस्ट बनाया करो, मैं इस करके प्ले लिस्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने पता है स्टूडेंट की जी डिमांड चेंज होती रही है। सो इस करके जो मैं स्पीकिंग वाले बने तुर पाया तो फिर कई स्टूडेंट कहेंगे सर जी मेरा पेपर रीडिंग से बना दो। सो इस करके जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे कमेंट्स करते हैं ज़्यादातर जेडे मॉड्यूल के उत्ते कमेंट होंगे मैं वो वीडियो बनाना। सो मैं उम्मीद करता कि अज की स्टोरी ने काफ़ी तुम्हें इंस्पायर किया होगा, पॉजिटिव किया होगा। सो इस तरीके पॉजिटिव रहो, दुनिया दी गल्लां छड्डो, चैनल नू फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते जरूर क्लिक करो जो वीडियो वधिया लगी, इत्थे करके अपने रिजल्ट भी शेयर करो तो काफ़ी बच्चे करते भी है। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो, सत श्री अकाल।